गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है बच्चों की छुट्टी। तो महक की आज पेरेंट्स मीटिंग थी, तो महक आज है ना अपनी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो इसलिए ना वो रोने लग गई थी। तो मैंने बोला कि चलो है ना, उसको थोड़ा सा मैंने चुप भी कराया और प्यार से उसको मैंने समझाया कि अभी तुम छोटी हो और अभी है ना लॉकडाउन में है ना, मतलब इतनी पढ़ाई भी नहीं हुई है, स्कूल भी नहीं चालू था, तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो ऐसे करके मैंने उसे समझाया और फिर वो चुप हुई। तो मैंने बोला कि चलो उसका है ना मन थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने बोला कि चलो मेरे साथ डस्टिंग करवाओ। तो फिर है ना वो मेरे साथ काम भी करने लग गई, बोले कि लाओ मम्मा मैं आपके साथ आज काम कराती हूँ। तो बस फिर वो मेरे साथ काम करने लग गई और हम दोनों ने मिलके पूरे है ना मतलब रूम की मतलब है ना जो मेरा डेली का रहता है ना, तो वो ही कराओ। ये रियांश की पलंग है, तो नाइट में है ना रोज मेरे को लगाना पड़ती है और मॉर्निंग में उठा के फिर रखना पड़ती है। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर अब मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं रही हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि बच्चों को मतलब प्यार से भी हैंडल कर सकते हैं। और आज है ना फुल टाइम है ना मैं सॉरी महक के साथ ही मतलब थोड़ा सा उससे हेल्प कराऊंगी, क्योंकि है ना उसका माइंड है ना थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि है ना उसको घर में भी है ना सब चिल्ला रहे थे और उसको मतलब स्कूल में भी चिल्लाया ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो रो रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला कि उसको थोड़ा सा प्यार भी कर लूँगी और थोड़ा सा है ना ऐसे उसको मतलब उसका वहाँ से माइंड भी हटा दूँगी ना, तो उसको बार बार ऐसा लगेगा नहीं। तो है ना वैसे तो वो मेरे साथ करती है और मेरे साथ क्या वो अकेले भी कर लेती है यहाँ की डस्टिंग, तो और बहुत ही क्लीन तरीके से करती है। तो अभी बस मेरे साथ वो ही करा रही है वो काम। आज बारिश भी हो रही है ना, तो बच्चों को मैंने बाहर खेलने जाने नहीं दिया। बाहर से खेल के आते हैं ना तो पूरा कीचड़ कीचड़ करते हैं, तो मैंने आज जाने भी नहीं दिया और यहीं उनको रखा। और मतलब है ना मैंने कपड़े है ना छत पे डाल के आई ना, और मतलब है ना इतना मेरे को गुस्सा आती है ना कि जिस दिन मैं पहली बात तो डालती नहीं हूँ, पर जिस दिन मैं अगर छत पे डाल दूँ ना कपड़े उसी दिन बारिश आ जाती है। तो आज बारिश भी बहुत मतलब सुबह से ही आ रही थी, थोड़ा सा मौसम खुला दिखा था, तो मैंने लगा कि चलो तीन चार दिन से खुला तो दिख ही रहा है मौसम, तो डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने है ना भजिए बनाए थे, ये मेरे लिए है मतलब, और सबने तो खा लिए, तो ये ज़रा से ही था, तो मैंने बोला कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है ना भुट्टे के भजिए हैं, तो आप भी आ जाइए और अपन सब मिलके खाते हैं भुट्टे के भजिए, बहुत ही यम्मी यम्मी बने हैं। और ये है ना मम्मी ने है ना मतलब इसका घोल मुझे बना के दिया था और वो बोले कि है ना चलो आज भुट्टे के भजिए बनाओ। अभी बन रही है कद्दू की सब्जी और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ये मम्मी की पसंद की है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं चखती, क्योंकि मेरे को ये जली सी भी नहीं अच्छी लगती है। तो अभी बस इसमें जो बेसिक मसाले हैं ना बस वो ही डालूँगी, इसलिए आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ मैं। तो कद्दू की सब्जी बन गई है, बस इसमें अब मैं डालूँगी हरा धनिया, आज है जन्माष्टमी का दूसरा दिन और अब तो राखी खत्म हो चुकी है। और है ना आज ना
मंदिर पे मटकी फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है, तो बच्चे बच्चे के वहाँ पर मटकी फोड़ेंगे। तो बस इतना ज़्यादा मतलब तेज है ना, मतलब म्यूज़िक की आवाज़ आ रही, तो मैंने बोला चलो उधर तो नहीं, वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो का एंड किचन में कर लेती हूँ। तो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आज वीडियो बहुत छोटा सा बनाया है मैंने, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का, बट मैंने सोचा कि है ना मुझे क्या है, आदत सी हो गई है, और मुझे जब तक का मैं अपलोड नहीं करूँ ना, जब तक का मुझे चैन नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।